आइए दोस्तों, कैसे हैं आप? मैंने एक बहुत अच्छा मास्टर सलीम जी का सॉन्ग बजाया था, जिसका आपको पिछले वीडियोस में लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिछले वीडियो में वो मिल जाएगा। आइए फटाफट से उनकी हम एडिटिंग देख लेते हैं। और बहुत ही अच्छा पैच है, मैं तेरे बिन कमली हुई। बहुत मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। आइए फटाफट से उस पैच को देख लेते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए, बहुत ही अच्छा पैच है, ढप के साथ बहुत अच्छा फील आता है। पहले थोड़ा सा बजा के देख लेते हैं, जस्ट उसके बाद मैं आपको एडिटिंग बताऊंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। सिंपल इस तरीके का ये रहने वाला है, और बहुत आराम से देखिए आप, हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो सिंपल यहाँ पे। जो है हमारी ऑफ में एक ढप आती है तो वो बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरीके का ये रहने वाला है। आइए फटाफट से हम लोग इस पैच की एडिटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, शुरू करते हैं हम पूरे पैच का पैनल कर्व और एफएक्स। मैं आपको बता देता हूँ, सेंटर में जो है कर्व है और एफएक्स इसका है 0 और कर्व इसका है EP4। इसका फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, आइए एडिटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ए पार्ट में, मैं बता देता हूँ, ए पार्ट में मैंने यहाँ डाला हुआ है I20 और जिसका लेवल 13 है, पिच इसकी 3 है, डीके इसका 20 है। उसके बाद इसके बी पार्ट में देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी मैंने I20 सेम डाला हुआ है, लेवल 13, पिच 3 और जो है डीके 20 है। और इस वाले में मैं आपको बता देता हूँ, इस कॉलम में मैंने डाला हुआ है F22, ए और बी दोनों में ही, तो एक ही उसका मैं बता देता हूँ। इसकी जो है लेवल 15 है, पिच इसकी -7 है और डीके इसका 20 है। और फटाफट से इस उसमें देख लेते हैं हम, यहाँ मैंने सिंपल तबला लगा रखा है, मैंने ए पार्ट में लगाया हुआ है L27, ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, और इसका जो है लेवल 12 है, पिच -2 है, डीके 20 है। पैनल सेंटर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कर्व EP4 है और FX 0 है पूरे पैड का। आइए इसके बी पार्ट में हम फटाफट से देख लेते हैं। बी पार्ट में I09 तबले का लगा हुआ है, जिसका लेवल 15 है और इसका पिच जो है वो 4 है, डीके 20 है। आइए अगले उसमें हम देख लेते हैं, यहाँ मैंने सिंपल से डाली हुई है जो है O02, मैंने बी पार्ट में डाला हुआ है, जो इस तरीके का हमारा विंड चेन का जो है साउंड करता है, जिसका लेवल 15 है, -2 पिच है, डीके इसका 20 है। और फटाफट से देख लेते हैं हम इसके ए पार्ट में जो है J39 जो है, मतलब बहुत अच्छा साउंड इसमें ऐसे आता है, तो जितना भी हमारा जो गैप आता है गाने में हम इससे फिल कर देते हैं। आइए इसके जो है हम सेटिंग को देख लेते हैं, इसका लेवल जो है 8 है और इसका पिच -24 है और डीके इसका 31 है। पैनल कर्व और एफएक्स में आपको बता ही चुका हूँ, फटाफट से हम देख लेते हैं। इस वाले कॉलम में मैंने डाला हुआ है इसके ए पार्ट में L57 और जिसका लेवल है 13, पिच है इसकी -5, डीके है -12। और इसके बी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं, इसी के
मैंने डाला हुआ है आई 20 और जिसका लेवल 13 है, पिच इसकी -5 है, डिके 16 है। और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है जो है ए पार्ट में सिंपल तबला मैंने यहाँ रखा हुआ है, और साथ में मैंने यहाँ पे I04 लगाया हुआ है, जो तबले का जो है हम लोग ऑफ वाला जो साउंड होता है उसको हम लगाते हैं। तो ए पार्ट में मैंने I04 लगाया हुआ है, जिसमें लेवल 12 है, पिच इसकी 5 है, डिके 23 है। और इसके बी पार्ट में हम फटाफट से देख लेते हैं, तबला लगा हुआ है I08 और 15 इसकी जो है लेवल है, और पिच इसकी 4 है, डिके 23 है। इस वाले पैनल में हम फटाफट से देख लेते हैं, इसके ए पार्ट में मैंने I17 डाला हुआ है, जिसका लेवल 13 है, पिच -12 है और डिके इसका 20 है। इसके और इसी के बी पार्ट में मैंने स्मॉल H27 हाइस लगाई हुई है, क्लोज हाइस, और 13 इसका लेवल है और जो है पिच इसकी 0 है, डिके 20 है। आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं इस वाले कॉलम में, इसमें मैंने ए पार्ट में लगाया हुआ है L27 और जिसका लेवल 13 है और इसकी पिच -2 है और डिके इसका 10 है। और इसी के मैंने बी पार्ट में डाला हुआ है कैपिटल H16 जिसका लेवल 13 है, पिच 3 है, डिके 10 है। इसी के साथ ये पैच जो है हमारा पूरा हो गया। आप हमारे चैनल पर बने रहिए बहुत अच्छे अच्छे पैचेस को देखने के लिए। और फटाफट से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जो लोग नया देख रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपकी जितनी भी पैचेस की रिक्वेस्ट है मैं धीरे धीरे वो सब अपलोड करूँगा। कई बार मैं पहले गाना अपलोड कर देता हूँ, पैच उसका बाद में देता हूँ, उसका सिर्फ यही कारण है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल का नाम है ऑक्टोपैड मेनिया, तब तक के लिए धन्यवाद।